हेलो दोस्तों तो आज हम बनाने जा रहे हैं चावल के आटे से बहुत ही टेस्टी चटपटा और बहुत ही खस्ता कचौरी तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो मैंने यहाँ दो उबले हुए आलू लिया था और उसको अच्छे से मैश कर लिया है ताकि इसमें गुठलियाँ ना हो तो बिल्कुल अच्छे से आप इसे मैश कर लीजिएगा तो अब इसमें हम बाली कटा हुआ हरी मिर्च डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया पत्ता डाल देंगे नमक इसमें हम स्वाद के अनुसार डालेंगे वन फोर्थ इसमें हम डाल देंगे हल्दी पाउडर वन फोर्थ इसमें डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर वन फोर्थ इसमें हम डाल देंगे अजवाइन एक छोटा चम्मच इसमें हम डाल देंगे चिली फ्लेक्स तो अगर आप ये नाश्ता बच्चों के लिए भी बना रहे हैं तो आप इसमें मिर्च की क्वांटिटी कम कर सकते हैं और हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि आलू में सारी चीज़ें मसाले नमक सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए और ये चटपटी सी स्टफिंग हमारी बनकर तैयार हो जाए तो अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे और देखिए मिक्स हमने कर लिया है ये स्टफिंग बहुत ही चटपटी बनती है तो मैंने यहाँ नाश्ता बनाने के लिए एक कप चावल का आटा लिया है आप चाहे तो इसकी जगह पे आटा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो इसे हम बाउल में डाल देंगे बारीक कटा हुआ एक मीडियम साइज का प्याज डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरी मिर्च हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया पत्ता डाल देंगे नमक इसमें हम स्वाद के अनुसार डालेंगे तो एक छोटा चम्मच नमक डाल देंगे एक छोटा चम्मच इसमें हम डाल देंगे चिली फ्लेक्स और नॉर्मल पानी डाल के हमें इसका बिल्कुल पतला सा घोल तैयार करना है तो हमें घोल गाढ़ा नहीं बनाना है तो एक से डेढ़ गिलास हम इसमें पानी ऐड कर देंगे तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि लम्स या गुठलियाँ ना हो तो डेढ़ गिलास मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है और देखिए घोल हमारा तैयार हो गया है तो बिल्कुल इस तरीके का पतला होना चाहिए तो फिलहाल इसे हम साइड में रख देते हैं चलते हैं हम नाश्ते में खाने के लिए चटनी बनाएंगे तो मैंने यहाँ थोड़े से हरा धनिया पत्ता लिया है तो वो हम एक मिक्सी के जार में डाल देते हैं दो से तीन हरी मिर्च हम डाल देंगे पाँच से छः हम डाल देंगे इसमें लहसुन की कलियाँ और आधा टमाटर हम डाल देंगे इस तरीके से पतला पतला कटा हुआ और बस इसे हमें पीस लेना है बिना पानी डाले और देखिए चटनी हमारा पीस कर तैयार हो गया है ये नाश्ता इस चटनी के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है तो ज़रूर बनाइएगा तो इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं और देखिए चटनी हमारा पीस कर तैयार हो गया है तो अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे तो नमक स्वाद के अनुसार आप ऐड कर लीजिएगा तो आधा छोटा चम्मच नमक डाल देंगे और आधा छोटा चम्मच हम डाल देंगे सरसों का तेल और चटनी हमारा रेडी हो गया है तो फिलहाल इसे साइड में रखते हैं तो बैटर को हम इस तरीके से मिक्स कर लेंगे तो चलिए अब हम गैस की तरफ चलती हैं तो मैंने यहाँ एक पैन लिया है तो इसमें हम डाल देंगे आधा छोटा चम्मच तेल और तेल थोड़ा जैसे ही गर्म हो जाएगा अब इसमें हम ये बैटर डाल देंगे तो सारा बैटर हम इसमें डाल देते हैं और बस इसे हमें पका लेना है जब तक ये बैटर बिल्कुल डो की तरह ना हो जाए तो तब तक हम इसे पका लेना है तो ये धीरे धीरे जल्दी से ठीक होने लगता है गाढ़ा होने लगता है और देखिए गैस का फ्लेम आप मीडियम रखिएगा नहीं तो नीचे से बैटर जल सकता है अच्छे से इस चलाते रहिएगा मिक्स करते रहिएगा जब तक ये डो कित फॉर्म में ना आ जाए तो जैसे जैसे ये डो के फॉर्म में आने लगेगा ये पैन को छोड़ देगा पैन में बिल्कुल नहीं चिपकेगा और देखिए ये बिल्कुल डो के फॉर्म में आ गया है बिल्कुल गुथे हुए आटे की तरह हो जाता है तो बस इस तरीके से कर लीजिएगा और बस गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसे हम ठंडा हो जाने देंगे तो चलिए हम नाश्ता बनाना शुरू करते हैं तो स्टफिंग को मैंने इस तरीके से गोल गोल कर लिया है ताकि नाश्ता हम बनाने में हमें आसानी हो और देखिए आटा भी हमारा काफ़ी अच्छे से ठंडा हो गया है तो इसे थोड़ा सा हम कूद करके चिकना कर लेंगे तो इसे हम हा हाथों तो में तेल लगा के आप इस तरीके से थोड़ा चिकना कर लीजिएगा और बस इसमें से हम लोई ले लेंगे तो जितना आपको कचौरी बड़ा बनाना है आप उसी हिसाब से लोई ले लीजिएगा तो मैंने यहाँ बिल्कुल पूरी के साइज़ का लोई लिया है तो इस तरीके से होल कर लेंगे और होल करने के बाद इसमें स्टफिंग डाल देंगे और इसे हम भर लेंगे आपको जैसा ईजी लगता हो फ्रेंड्स आप उस तरीके से भर लीजिएगा और देखिए मैंने सारा कचौरियाँ भर कर तैयार कर लिया है तो चलिए अब इसे हम फ्राई भी कर लेते हैं तो मैं इसे शैलो फ्राई कर रही हूँ आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं तो तेल को मीडियम फ्लेम पे गरम कर लीजिएगा और एक करके हम नाश्ता इसमें डाल देंगे और बस इसे गोल्डन क्रिस्पी होने तक हमें इसे फ्राई कर लेना है तो हाई फ्लेम पे आप इस कचौड़ियों को फ्राई बिल्कुल मत कीजिएगा नहीं तो ऊपर से जल्दी से लाल हो जाएंगी और अंदर से कच्चे रह जाएँगे तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा मीडियम टू लो फ्लेम पे आप इसे चार से पाँच मिनट के लिए फ्राई कर लीजिएगा और नीचे से जैसे ही लगे आपको कि ये लाल हो गया है थोड़ा इसे पलटना चाहिए तो आप इसे पलट लीजिएगा एक एक करके ये कचौरी अब बहुत ही टेस्टी और बहुत ही खासा बनता है तो एक बार आप चावल के आटे का ये कचौरी ज़रूर बनाइएगा आटे का तो हमेशा आप बनाते हैं लेकिन एक बार चावल के आटे का कचौरी बनाइए आपको बहुत ही पसंद आएगा बहुत ही टेस्टी चटपटा बनता है और इसे देखिए फ्राई होते हुए तीन मिनट हो चुके हैं तो बस दो मिनट के लिए इसे हमें और फ्राई कर लेना है थोड़ा सा और इसका कलर डार्क हम कर देंगे ये चार से पाँच मिनट में ये कचौड़िया बनकर तैयार हो जाता है तो बहुत ही आसान रेसिपी है तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा तो बस आप इसे उलट पलट करके लाल करके क्रिस्पी करके आप इसे फ्राई कर लीजिए और देखिए कितना प्यारा कलर आ गया है काफ़ी गोल्डन कलर हो गया है देखिए तो इसे हम निकाल लेते हैं ये कचौड़ियाँ खाने में बहुत ही खासता बनता है बहुत ही टेस्टी लगता है तो एक बार आप इस तरीके से चावल के आटे की, की कचौड़ी ज़रूर बनाइएगा आपको बहुत ही पसंद आएगा तो इसे हम निकाल लेते हैं कचौड़ियों को और चलिए अब इसे हम गर्मा गर्म सर्व भी कर लेते हैं और ये लीजिए चावल के आटे की बनी हुई बहुत ही टेस्टी खस्ता कचौड़ी बनकर तैयार हो गया है आप इसे पाँच से छः मिनट में बनाकर रेडी कर सकते हैं इससे ज़्यादा समय बिल्कुल नहीं लगता है तो एक बार आप इस तरीके से चावल के आटे की कचौरी ज़रूर बनाइएगा देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये कचौरी तो देखिए मैं आपको उठाकर दिखा रही हूँ कि ये कचौड़िया कैसे फ्राई हुआ है और देखिए ऊपर से कितना क्रिस्पी ये कचौरी बना है मैंने आपको तोड़कर दिखाया बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में तो एक बार आप इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करिएगा चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन यानी मैसेज आपको मिल सके थैंक यू